नमस्कार साथियों, आज भाई बात करेंगे कतर से रिलेटेड। भाई कतर में जो लोग रहते हैं, जो लोग जाना चाहते हैं, उनके लिए बेस्ट न्यूज है। जी हाँ, बहुत अच्छी न्यूज है और इतनी अच्छी है कि आप सोच नहीं सकते। मैं बताऊंगा आप लोगों के लिए, कतर सरकार ने बेहतरीन कदम उठाते हुए लेबर लॉ को चेंज किया। जी हाँ, आपके हितों के लिए सैलरी फिक्स कर दी गई है। जी हाँ, लेकिन भाई सैलरी फिक्स करने के पीछे क्या रीज़न है, कैसी सैलरी हुई है, कितनी आपको मिलेगी, आपका अकोमोडेशन, आपका रहना खाना वगैरह, पूरी डिटेल से बात करेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लें, फेसबुक पेज वाले पेज को फॉलो कर लें, ताकि विदेश से रिलेटेड, कतर से रिलेटेड आपको सही जानकारी रोज यहाँ पे मिलती रहे। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं। कतर सरकार ने बड़ा कदम उठाते हुए लेबर लॉ, जो आपका कानून है लेबर से संबंधित, इसमें सैलरी से रिलेटेड बहुत बड़ा बदलाव कर दिया है। जी हाँ, और उसके पीछे का रीजन भाई ऐसा इतना आसानी से नहीं हुआ, ये आप मन समझना कि आपके हितों में बहुत ज्यादा प्रेशर था कतरी सरकार के ऊपर। जी हाँ, विदेश नीति का प्रेशर था, ह्यूमन राइट्स का भी प्रेशर था कि लेबरों का शोषण होता है कतर में। इसका रीजन ये नहीं है कि वैसे शोषण होता है, शोषण इसलिए होता है कि सैलरी फिक्स नहीं थी। लोग 600 कतरी रियाल में भी जॉब कर रहे हैं, लोग 2000 में कर रहे हैं, जो 700 800 900, मतलब कोई फिक्स नहीं था। मन मर्जी जो आपके नियुक्ता, आपकी कंपनी, आपका मालिक मन मर्जी आपको सैलरी देते थे। इस वजह से लोगों का एक तरह से शोषण ही इसको मान सकते हैं कि यार आज के ज़माने में 700 कतरी रियाल में एक इंडिया का आदमी जाके कतर में मजदूरी कर रहा है, क्या उसके बीवी बच्चे बाल बच्चे पल जाएंगे, परिवार चल जाएगा, 7 × 14 = 20 का भी भाव होता है, 14,000 बनते हैं, ओवर टाइम की कोई गारंटी नहीं होती, तो क्या मतलब होता है। जिस कंट्री में 25,000 से कम नहीं बचते हैं तो वहाँ पर रहने का मुझे नहीं लगता क्वेश्चन है, क्योंकि आज के ज़माने में इंडिया में एक मजदूरी आदमी, मजदूर करने वाला अगर तगारी भी डालता है ना कहीं पर मिस्त्री के पास में जाके, उसकी भी 400-500 रुपये मजदूरी है, तो 15,000 तो इंडिया में कमा सकता है, तो वो क्यों जाएगा इतनी दूर, लाख रुपए एजेंट ले लेते हैं वगैरह वगैरह, कई समस्याओं को देखते हुए कतर सरकार के ऊपर प्रेशर होने की वजह से आप लोगों के ऊपर बड़ा बदलाव करते हुए आप, जी हाँ, लेबर कैटेगरी में 1,000 कतरी रियाल फिक्स कर दिया गया। जी हाँ, वैसे देखा जाए तो 1,800 रुपये सैलरी एक मजदूर की कर दी गई, मिनिमम सैलरी मिलेगी नो डाउट। जी हाँ भाई, जो नए लोग जाना चाह रहे हैं, जो वहाँ पे पुराने लोग हैं उनके भी मैं बता दूँ, उनका भी चेंज होने वाला है। ये नहीं कि जो पहले से हैं उनको वही मिलेगी 700 800, नहीं जी, ये सैलरी चेंज होगी, पूरी डिटेल से वीडियो देख लीजिए। हो गया क्या इसमें, मैं बता दूँ, 1,000 सैलरी मिनिमम की है, 1,800 किस तरह से मिलेगा, 1,000 सैलरी आपकी, आपका चाहे कंपनी का मालिक हो, चाहे आपका रबाब हो नवाब हो, कोई भी उसको सैलरी देनी पड़ेगी, ये अग्रीमेंट होगा जी। उसके बाद में अगर आपका वहाँ पे मतलब आपका खाना नहीं मिल रहा है उनकी तरफ से, किनकी तरफ से, आपका मालिक कंपनी की तरफ से, तो 300 कतरी रियाल उसको आपको देना पड़ेगा, जिससे आप खाना बना के खा सकें या बाहर खा सकें, वो आपकी मर्जी पे डिपेंड रहेगा, ठीक है। उसके बाद में अकोमोडेशन यानी रहना, आप कहाँ रह रहे हैं, अगर आपकी सुविधा के अनुसार वहाँ व्यवस्थाएँ नहीं हैं, वो रखने में आपको असमर्थ है, तो आपको 500 कतरी रियाल महीने का उसको चार्ज, किराया, रेंट, रूम रेंट उसको देना होगा। जी हाँ, इस तरह से 1,000 सैलरी, 500 रुपये रूम रेंट हो गया, 300 रुपये खाने का हो गया, यानी टोटल मिला के 1,800 रुपये एक मिनिमम सैलरी सरकार ने तय कर दी है। बता दूं, लेबर लॉ 2020 एक्ट 17 की धारा में ये घोषणा की गई है जी, ये फाइनल हो चुका है भाई। अब आप समझ, आपका क्वेश्चन ये हो सकता है कि क्या कल से हो जाएगा, नहीं जी, कल से नहीं होगा, ये अभी इसको मतलब प्रस्ताव पास हो गया है, पास होने का मतलब फाइनल हो गया, अब ये लागू कब होगा इसमें टाइम लगता है। अब टाइम कैसे लगता है, क्योंकि परफॉर्मेंस जो चल रहे हैं वो सब पुराने अग्रीमेंट चल रहे हैं, उनको चेंज होने में, इसको लिखित में संविधान को क्रिएटिविटी करने में, यानी एकदम लिखित में सब कुछ करने के लिए सरकार को, सिस्टम को टाइम चाहिए होता है, और मेरा जहाँ तक अनुमान है जनवरी 2021 से ये सिस्टम स्टार्ट होगा। जी हाँ, हो सकता है 3-4-5-6 महीना भी कई बार लग जाता है कानून लागू होते होते, कानून पास हो जाता है, लागू होते होते टाइम लग जाता है, ऐसा सुना होगा, इंडिया में भी ऐसा ही होता है, लेकिन मुझे, मेरा जहां तक है कि जनवरी 1 इतने में कोरोना डाउन हो जाएगा, रीस्टार्ट सिस्टम दोबारा से होगा, चाहे देश हो चाहे कोई भी हो, तो उस दौरान ये सिस्टम लागू होगा। जो लोग वहां पे मजदूरी कर रहे हैं उनकी भाई ध्यान दे लीजिए आप, ये आपका इफेक्ट एकदम 100% गारंटेड न्यूज है, इसमें आप चैलेंज मत करना, 100% ये सैलरी मिनिमम 1,000, अगर अगला आपको खाना दे रहा है
तो वो पैसा 300 नहीं मिलेगा। अगर आपका रूम आपको मिल रहा है आपकी कंपनी की तरफ से, आपके कफील की तरफ से, तो वो 800 रुपये आपको नहीं मिलेंगे, आपको 1000 दराम पक्का सैलरी मिल जाएगी। ओवर टाइम होता है उसका तो सिस्टम अलग है, वो तो मिलता ही है। ओवर टाइम करोगे तो आप 1500-2000 कितना कमाते हो आपकी मर्जी पर डिपेंड है। बाकी ये नियम लागू हो चुका है, गांठ बांध लें। आपके दोस्तों को, रिश्तेदारों को भी ये बात शेयर जरूर करते हैं वीडियो के माध्यम से कि भाई ये सैलरी कतर सरकार ने बड़ा कदम उठाते हुए घोषणा कर दी है, जो जनवरी 1 उम्मीद है 2021 से लागू हो जाएगा। बस ये जानकारी आप लोगों के साथ शेयर करनी थी। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लें, फेसबुक पेज वाले पेज को फॉलो कर लें ताकि विदेश से रिलेटेड सही इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।